दोस्तों, मोनोपोली ये वर्ड के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, बट आज ना हम लोग एक पॉसिबल डुओपोली की बात करेंगे जो हमको आने वाले टाइम में ना इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिल सकता है। सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, अगर आप ना इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई, आप अगर इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी की बात करो, वोडाफोन आइडिया, तो वो करीब करीब अब डूबने के कगार पे है। तो हाँ भाई, आपने सही सुना, वो करीब करीब डूबने के कगार पे है, और शायद अब कोई ना मैजिक ही उनको बचा सकता है। तो यार, सबसे पहले ना ये बात कर लेते कि हम लोग वीडियो में देखने क्या क्या वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि क्या अब भी वोडाफोन आइडिया के लिए कोई भी एक छोटी सी किरण बची हुई है या नहीं बची हुई है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है, तो उनके जो कुछ 27 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जो उनके ग्राहक हैं, उनका क्या होगा। और फिर ये बात करेंगे कि अगर इतना बड़ा मूवमेंट, यानी कि जो ये सब्सक्राइबर हैं 27 करोड़ के आसपास, वो एयरटेल या जियो में जाते हैं, तो क्या एयरटेल जियो के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने बड़े यूजर बेस को संभाल पाएंगे। और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया का बंद होना हम आप जैसे रिटेलर के लिए कुछ भी मतलब एक सही है या नहीं, और ये भी जानेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है हम आप जैसे रिटेलर्स के लिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट में ना एक डुओपोली वाली सिचुएशन आ जाएगी। और फिर वो देखेंगे, हर एक पॉइंट को ना बहुत डीप में देखेंगे। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यार, सबसे पहले ना वोडाफोन आइडिया की करंट सिचुएशन की बात करते हैं और ये समझेंगे कि क्या भाई अभी भी कोई उम्मीद है यहाँ पे या नहीं है। तो यार, अगर आप एक लाइन में सुनना चाहोगे ना, तो एक लाइन में यही है कि भाई कंपनी की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि आप देखोगे ना, तो कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट रहते हैं, क्वार्टर बाई क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, उल्टा जो इनके कर्ज वगैरह हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कुछ दिन पहले देखोगे तो जो कर्ज कुछ 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, अब वो 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद इनके एजीआर ड्यूस वगैरह थे, वो मैटर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। मतलब यार, ओवरऑल ना कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही है। इसके साथ ही इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप कुछ दिन पहले देखोगे, यानी कि कुछ साल पहले देखोगे, तो वो कुछ 29 करोड़ 30 करोड़ था, अब वो कुछ 27 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हुआ क्या है, जो कंपनी के चेयरमैन थे बिरला साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मतलब कि यार, सब लोग समझ गए हैं, उन्होंने तो जहां तक कि गवर्नमेंट को अपने जो कंपनी के स्टेक है वो भी ऑफर किया, बट मुझे नहीं लग रहा है गवर्नमेंट इसमें कोई दिलचस्पी अभी दिखाने वाली है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अब कोई एक रास्ता इनको दिखाई भी नहीं दे रहा। और मेन चीज ये भी हो गई कि वोडाफोन ने भी ना कर दिया, वोडाफोन एक ब्रिटिश कंपनी है, और उन्होंने भी ना कर दिया कि भाई अब हम यहाँ पे कुछ पैसे नहीं डालने वाले हैं, मतलब हम कुछ नया इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया में नहीं करने वाले हैं। मतलब अब वोडाफोन आइडिया के लिए ना जितने भी रास्ते हैं वो सारे कंप्लीटली बंद होते हुए दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई, कुछ नया हो जाए, कोई नया बंदा इन्वेस्ट कर दे, तो हाँ भाई ये हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस इतना गिर रहा है कि अब कोई इसमें रिस्क लेना नहीं चाहेगा। हाँ, अब कोई रिच पॉकेट वाला आदमी आके कुछ कर दे, कुछ मैजिक हो जाए, तो वो अलग बात है, बट अभी फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा जो सब्सक्राइबर बेस है 27 करोड़ के आसपास जो है, वो यूजर्स का क्या होगा, वो जो रिटेलर्स हैं, जो इनके सब्सक्राइबर यानी कि जो ग्राहक हैं, उनका क्या होगा। तो देखिए भाई, कंपनी ना डायरेक्ट बंद नहीं होगी, कंपनी बंद होने के पहले एक प्रॉपर नोटिस देगी अपने यूजर्स को और बताइए कि भाई हाँ, हम लोग बंद कर रहे हैं अपने सर्विसेज, और आपके पास कुछ 30 दिन 45 दिन जो भी वो टाइम आपको एक ऑफर करेंगे, बोलेंगे ये टाइम है आपके पास, इतने टाइम में आप आपके सिम कार्ड को पोर्ट वगैरह करवा सकते हो, यानी जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो इसके पहले जब एयरसेल बंद हुआ था तो एयरसेल ने भी जहां तक मुझे याद है कुछ 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, और उसमें यूजर्स ना पोर्ट वगैरह करवा सकते थे, तो वो टाइम पे भी यूजर ने ये किया था, और ये टाइम
टाइम पे भी अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये टाइम पे भी यूजर को एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि हाँ भाई आप पोर्ट वगैरह करवा लीजिए, तो उसके बाद ना यूजर पोर्ट वगैरह करवा सकते हैं। तो यूजर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत उतनी नहीं है, उनको एक प्रॉपर टाइम वगैरह दे दिया जाएगा। तो यार अब ना ये बात करते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद होता है तो इनके जो 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं यानी इनके जो यूजर्स हैं वो जब वोडाफोन आइडिया को छोड़ के आपके एयरटेल या जियो में जाएंगे तो क्या एयरटेल जियो इतने कैपेबल होंगे कि इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस हैंडल कर पाएं, यानी कि क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल होगा कि इतने नए लोगों को सर्विसेज दे पाने के लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई मैं एयरटेल और जियो की ही बात क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए भाई अगर आप करंट मार्केट देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एयरटेल जियो ही मेन प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ और भी हैं, आपका BSNL है, MTNL, बट उनका मार्केट कैप ना काफ़ी लिमिटेड होकर रह गया है। अब तो बहुत चांस यही रहेगा कि जो ये 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स रहेंगे वो जो मूव करेंगे वो आपको एयरटेल और जियो में ही जाते हुए देखने को मिलेंगे। बट फिर वही बात कि क्या ये इतने कैपेबल रहेंगे, तो भाई ये इतने कैपेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो टेलीकॉम कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो दूर दराज का एरिया हो या कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे इनका कवरेज उतना अच्छा नहीं होता है, जहाँ पे इनकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो वो केस में जब सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे तो जो करंट यूजर्स रहेंगे और जो नए यूजर्स आएंगे उन दोनों की सर्विसेज हैम्पर होंगी, यानी कि उन दोनों की सर्विसेज आपको और ख़राब होते हुए देखने को मिल सकती हैं। बट हाँ, हो सकता है ये लोग कुछ प्लान करें उस हिसाब से, पहले से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लग जाए, बट एट लास्ट यही है कि इनको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और हाँ भाई, यहाँ पे तो मेन बात ये भी है कि जियो ने तो स्टार्ट ही 4G से किया था और जो वोडाफोन आइडिया है उसका एक बहुत बड़ा यूजर बेस 2G 3G पे है, तो जियो तो उनको मूव करवा नहीं पाएगा क्योंकि भाई बहुत लोग 2G 3G यूज करें, वो डायरेक्टली 4G पे कैसे आएंगे, उसके लिए उनके पास फ़ोन होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो केस में हो सकता है एयरटेल पे बर्डन बढ़ जाए, बट ओवरऑल जो भी है एयरटेल और जियो को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सर्विसेज हैम्पर होंगी, जो करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी सर्विसेज ख़राब होंगी, न्यू जो आएंगी उनकी तो ख़राब होनी ही होनी है। तो ये प्रॉब्लम्स वो टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है ना तो हम आप जैसे जो यूजर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, इनके लिए थोड़ा मार्केट ख़राब होता हुआ दिख सकता है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि यार अब मार्केट में आपको ज़्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। मेनली आपको कौन मिलेगा? एक आपको जियो मिलेगा, एक फिर आपको एयरटेल मिलेगा। अब आप क्या करोगे? जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो, जियो से एयरटेल, यही करोगे। अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और जब मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं, कॉम्पिटिशन नहीं रहता है, तो यूजर्स को जो सर्विसेज मिलती है ना वो बहुत अच्छी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा प्लेयर्स रहते हैं, ज़्यादा कंपनी रहती हैं, तो वो यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे ऑफर्स रिलीज करते रहते हैं, अच्छे अच्छे रिचार्ज प्लान्स वगैरह देते रहते हैं मार्केट में। बट अब यहाँ पे क्या होगा, मेनली दो कंपनी देखने को मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पे एक डुओपोली देखने को मिल सकती है। अब हो सकता है आपके ये जो डुओपोली क्रिएट होगी उसमें एयरटेल जियो कुछ साठ गाठ कर ले, कुछ मिली भगत कर ले, और उसके हिसाब से आपके जो रिचार्ज प्लान वगैरह है उनकी प्राइसेस बढ़ा दें। ये सब चीज़ें, मतलब ये सब पॉसिबल चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए यार यहाँ पे ना वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था, बट यार अब करेंट सिचुएशन देखोगे ना तो यार ये पॉसिबल दिख नहीं रहा है। अब इनका सर्वाइवल ना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब वैसे कुछ और अपडेट रहेगी तो मैं आपको आगे दे दूंगा, बट अभी के लिए तो यही है और हमको आगे ना मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर हमेशा ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।